हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी फूल गोभी की परतदार कचौड़ी की रेसिपी। अक्सर हम लोग फूल गोभी की सब्ज़ी खा खा कर बोर हो जाते हैं, तो कुछ आज अलग ट्राई करेंगे। इस तरह से आप फूल गोभी की कचौड़ी बनाकर खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। चलिए मज़ेदार सी रेसिपी शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इस कप से एक कप गेहूं के आटा ले लिए हैं और इसी कप से एक कप मैदा ले लेंगे। आप सिर्फ गेहूं के आटा या मैदा से इसे बना सकते हैं। इसी कप से एक आधा कप बेसन ले लेंगे। बेसन डालने से काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं कचौड़ी। और थोड़ा सा अजवाइन ले लेंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। सारे चीज़ को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप मेजरमेंट के लिए कोई भी कप घर का सेट कर लीजिएगा। और इसमें 2 चम्मच घी डाल लेंगे। आप इसमें तेल भी ले सकते हैं और अच्छे तरीके से मसल के इसमें मोयम दे लेंगे। और यहाँ पर मुट्ठी को बंद करके मोयम को चेक कर लेंगे। इस तरह से आपका जो आटा है मुट्ठी बंद करने के बाद बन जाना चाहिए। और इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ टाइट आटा गूंथ कर तैयार करना है। जिस तरह से हम रोटी की आटा गूंथ कर तैयार करते हैं, उसे हमें टाइट रखना है। तो इसलिए इसमें धीरे धीरे ध्यान से पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आटा के डो तैयार कर दिए हैं। चलिए इसे 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख लेंगे। जब तक आटा हमारा सेट होगा, तब तक फिलिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का फूल गोभी लिए हैं, जिसे छोटी छोटी टुकड़ी में कट कर लिए हैं। और यहाँ पर एक ग्रेटर लेंगे। तो आपको ग्रेटर में 2 तरह से छेदे दिखाई देता होगा। जो मोटे वाला छेद है, इससे हमें नहीं करना है। जो बारीक वाला छेद है, इससे ग्रेट करेंगे। इस तरीके से हम फूल गोभी को पकड़ेंगे और उसका जो फ्लावर है ग्रेट कर लेंगे। जो डंठल है उसे हटा लेंगे। इसी तरीके से सारे फूल गोभी को ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारा फूल गोभी को ग्रेट कर लिए हैं और इसे चेक कर लेंगे, क्योंकि इसमें छोटे छोटे टुकड़े छूट जाते हैं, उसे हमें छाट कर हटा लेना है। यहाँ पर 1 कटोरी फ्रोजन मटर लिए हैं। अगर आपके पास फ्रेश मटर है, उसे भी ले सकते हैं। अगर नहीं है तो इसके बिना भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर 7 से 8 लहसुन की कलियाँ लेंगे और तीखे के लिए 4 हरी मिर्च ले लेंगे। चलिए इसे पीस लेते हैं। हमें इसे पीस कर फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है। और लीजिए, यहाँ पर मैंने पीस लिए हैं। इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। और यहाँ पर गोभी के रखे हुए भी 4 से 5 मिनट हो गए हैं। जितना इसका पानी था, गोभी छोड़ दिया है। इसे निचोड़ लेंगे। यहाँ पर अच्छे तरीके से दबाते हुए सारा पानी निकाल लेंगे। इसमें ज़रा से भी पानी नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो फिर हमें स्टफिंग भरने में दिक्कत आएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे मैं अच्छी तरीके से दबाते हुए सारा पानी निकाल लिए हैं। यहाँ पर एक बर्तन लेंगे और सारा फूल गोभी डाल लेंगे। और यहाँ पर जो मटर पीस कर रखे हैं, इसे भी डाल लेंगे। फ्लेवर के लिए इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लिए हैं और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच डालिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च के पाउडर डाल लेंगे। और सारे चीज़ को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम नमक नहीं डाले हैं, क्योंकि नमक डालेंगे तो इसमें बहुत सारे पानी छोड़ देंगे, फिर हमें निचोड़ना पड़ेगा। फिर निचोड़ेंगे तो सारा मसाला इसमें निकल जाएगा, इसलिए इसमें नमक बाद में डालेंगे। और यहाँ पर आटा भी अच्छे तरीके से सेट हो गए हैं, तो फिर से मसाले लेंगे। यहाँ पर आटा का एक बड़ा सा पेड़ा लेंगे और लेने के बाद इसे गोल कर लेंगे। और गोल करने के बाद इसे हल्का चपटा कर लेंगे। और चपटा करने के बाद इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेल लेंगे। तो हमें रोटी की तरह इसे पतला बेल कर तैयार करना है, लेकिन रोटी से हल्का इसको बड़ा रखेंगे। और यहाँ पर मैंने इसे बेल लिए हैं। और यहाँ पर स्टफिंग में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसमें थोड़ा सा मोजरेला चीज़ डाल लेंगे। मोजरेला चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए, नहीं तो इसके बिना भी टेस्टी कचौरी बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर फिलिंग तैयार करने के बाद 1 कटोरी लेंगे और इसमें 2 चम्मच मैदा लेंगे। थोड़ा सा इसमें रिफाइंड डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। और जो रोटी को बेल कर रखे, इसके ऊपर लगाएंगे।
तो आप हाथ या स्पून की सहायता से इसके ऊपर लगा सकते हैं, चारों तरफ लगा लेंगे। यहाँ पर चारों तरफ मैंने पेस्ट को लगाकर इसमें थोड़ा सा सूखा आटा छीट लिए हैं और इसे रोल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप आलू या सत्तू की कचौड़ी तो बहुत खाए होंगे, एक बार इस तरह से फूलगोभी की कचौड़ी बनाकर देखिएगा। काफ़ी टेस्टी कचौड़ी बनकर तैयार होते हैं। आप इसे सफ़र के लिए या नाश्ता लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं। आप टिफिन रात में ही बनाकर तैयार कर लीजिए और सुबह इसे जल्दी से बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने रोल कर लिए हैं और इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको जितना बड़ा यहाँ पर कचौड़ी बना के तैयार करना है उसके हिसाब से यहाँ रोटी बड़ा बेल लीजिएगा और यहाँ पर छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे और एक पेड़ा उठाएंगे, इस तरह से इसे दबा कर इसका शेप दे लेंगे। यहाँ पर एक पेड़ा लेंगे और अंगूठा से दबाते हुए बीच में मोटा रखेंगे, साइड साइड से पतला कर लेंगे। और ये लीजिए, एक कटोरी बना लिए हैं, अब इसमें फिलिंग डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच इसमें फिलिंग भर लिए हैं, अब इसका मुंह बंद कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक कचौड़ी बना के तैयार कर लिए हैं, जो इसका एक्स्ट्रा आटा इसी में बंद कर लिए। आप इसे कट करके भी हटा सकते हैं। तो यहाँ पर एक कचौड़ी बनकर तैयार हो गए। चलिए दूसरा भी कचौड़ी आपको बनाकर दिखा रहे हैं। तो इसी तरह से हमें कटोरी के इसका शेप दे लेना है। यहाँ पर स्टफिंग भर लेंगे और इसे अंगूठा से दबाते हुए यानी कि स्टफिंग को सेट करते हुए इसका मुंह बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, जो आसान लगेगा उस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ मैंने इसका मुंह बंद कर लिए हैं, जो एक्स्ट्रा आटा बच रहा है इसको इसी में दबा लेंगे या इसे कट करके निकाल लीजिए। और यहाँ पर मैंने दूसरा भी कचौड़ी बना कर तैयार कर लिए हैं। तो इसी तरीके से सारा कचौड़ी हम बना कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारा कचौड़ी को बना कर तैयार कर लिए हैं। थोड़ा सा आटा बच गया था, इसे सिंपल बना लिए हैं और तेल को गर्म कर लेते हैं। यहाँ पर तेल को मैंने गरम कर लिए हैं, थोड़ा सा आटा डालकर चेक कर लेंगे। और तेल जो है अच्छे तरीके से गरम हो चुके हैं, अब इसमें कचौड़ी छोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितना आप हैंडल कर पाएंगे उसके हिसाब से यहाँ कचौड़ी डाल लीजिएगा या जितना स्पेस है आपका कढ़ाई का। इसे एक मिनट तक टच नहीं करेंगे। यहाँ पर एक मिनट हो गए तो इसे पलट लेंगे। अभी गैस का फ्लेम लो रखे हैं, लो फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट तलेंगे। तो इसे आप हाई फ्लेम पर बिल्कुल तलिएगा मत, क्योंकि हाई फ्लेम पर तलेंगे तो अंदर तक अच्छे से पकेंगे नहीं और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। इसलिए आप इसे लो फ्लेम पर पकने दीजिएगा अच्छे से। और यहाँ पर मैंने लो फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट तल लिए हैं। अब क्या करेंगे, एक मिनट के लिए गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे ताकि जो इसका कलर है अच्छा सा आ जाए। यहाँ पर मैंने एक मिनट तक हाई फ्लेम पर तल लिए हैं और कचौड़ी का बढ़िया सा कलर आ गया है। तो चलिए एक कचौड़ी को आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। इस तरह से हमें तल लेना है। जब इसका कलर इस तरह से आ जाएगा तब कचौड़ी को निकाल लेंगे। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सारा कचौड़ी तल कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा कचौड़ी तैयार कर लिए हैं। चलिए इसे गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व करते हैं। एक कचौड़ी को आपको तोड़कर दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं और अंदर से अच्छे तरीके से पक गए हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, काफ़ी टेस्टी कचौड़ी बनकर तैयार होते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को अपने फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।